अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। ये जो पूरा प्रकरण है, आपने आईपीएस एसोसिएशन की बैठक बुलाने की मांग क्यों की? सबसे पहला प्रश्न यही। देखिए, मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से चूंकि आईपीएस अफसरों से जुड़ा मामला है और दोनों जो सीनियर अफसर हैं, एक पहले इनका एक वायरल हुआ वीडियो, इनका आरोप लगे जो एसपी नोएडा है समय जी, उन्होंने उससे कई गुना गंभीर कई तथ्य बताया कि पांच पांच अफसर हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया 30 लाख 40 लाख 80 लाख रुपए का लेन देन किया वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार किए जाने की नितांत आवश्यकता है, और चूंकि ये हमारे पूरे संवर्ग से जुड़ा मामला है तो मैंने अनुरोध किया है कि इस एसोसिएशन से कि हम इसकी बैठक बुलाएं, हम इसे बैठे और इस बात की चर्चा करें कि आखिर इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए और इसमें क्या वाजिब है, क्या सच्चाई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए एसोसिएशन की तरफ से। जी अमिताभ जी, एक सोशल एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर, जिन्होंने 2 जनवरी को एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि जिन 5 अफसरों का नाम लिया गया वो डीजीपी के बेहद करीब हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें उठाई जा रही हैं, तथ्यात्मकता आप कितनी देखते हैं इन बातों से और इनका सार्वजनिक होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, मैं इनका सार्वजनिक होना और व्यक्तिगत रूप से मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानता हूँ। मेरा व्यक्तित्व, मैं भी कुछ हद तक एक्टिविस्ट भी अपने आप को मानता हूँ। मेरा मानना है कि चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, छिपी हुई बातों से खुली हुई बातें बेहतर हैं, आम जनता के हित में हैं। तो मेरा तो मानना है कि हमें इस संबंध में खुल के चर्चा करनी चाहिए और यदि कोई सच्चाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। जी अमिताभ जी, जब एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जो अभी, जिसमें 15 दिन और डीजीपी ने दिए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, जब आप बैठक, आपने एक बैठक कॉल की है, ये बैठक होगी तो इसमें कौन कौन से विषय होंगे जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, क्या उस विषय को भी रेफरेंस में लिया जाएगा? देखिए, ये तो चूंकि हमारी अगर ये बैठक बुलाते हैं, मैंने तो सिर्फ निवेदन किया है, यदि ऐसी बैठक होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे संवर्ग को लेकर जो कुछ मुद्दे हैं, खास करके इस पृष्ठभूमि में वैभव कृष्ण जी वाला मामला जब से शुरू हुआ और उसके बाद जिस प्रकार के तथ्य सामने आए, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आए, तो हमारा संवर्ग इससे कितना प्रभावित हो रहा है, हमारे संवर्ग के लिए घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, उससे जो कुछ भी आयाम होंगे, इंक्लूडिंग जो विवेचनाएं हैं चल रही हैं, कहां से हो क्या हो, वह भी मैं समझता हूं कि चर्चा का विषय होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे बातचीत करने के लिए।